आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। शर्माने चाहिए उस हिंदुस्तानियों को, उस भारतीयों को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखता है बैठ करके, और शर्माने चाहिए उन लोगों को जिन्होंने अब तक आवाज नहीं उठाई कि पाकिस्तान जैसे निठल्ले गधेड़ों के लोगों के साथ क्यों होगा मैच। अंतिम में तो हारना ही होता है पाकिस्तानियों को। कोई नहीं आएगी माहिरा खान और सज्जल अली यहां पर आकर के कमर लचकाने की जरूरत नहीं है। मेरे मेरे जवानों पर उंगलियां, मेरे जवानों पर गोली, मेरे आर्मीज पर गोली। उसैर अहमद खान गोली किस पर चला रहा है? हुमायूं मुजम्मिल पर। कुरान मानने वाले आए हैं बड़े। हम उनको मौत के घाट उतारेंगे जिन्होंने इनको टारगेट किया था। लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस की सराहना करनी चाहिए, बीएसएफ सीआरपीएफ उनकी भी सराहना करनी चाहिए। वो अभी कॉर्डन पे है और मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको न्यूज़ आप खुद भी अखबार में कल देखेंगे कि उनको मौत के घाट उतारा गया। दूसरी बात, पाकिस्तान को मैं चेतावनी देता हूँ, क्या पीओके वो भी वहाँ पर भी हमला हुआ है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, मोदी जी से इन्होंने अपील की है, लेकिन वो खुद संभालता नहीं है। तो आज हमें यहाँ पर बेडू के किराए के टट्टू भेजे हैं ऐसे करने पे। हमारा हिंदुस्तान आज़ाद था, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा हमेशा। और पीओके वो भी हम छीन के लेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। चूहे बिल में छुपे जाते हैं। अजमल कसब जब भेजा था तो माना था क्या? उसामा बिन लादेन को जब गार में रखा था तो माना था क्या? सीमा गुलाम हैदर को जब भेज कर रखा है तो माना था क्या? इकरा चंदा को जब भेजा था तो माना था क्या? एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब स्लीपर सेल को धर पकड़ करके लेके गया और उसके स्टेटमेंट में जब उसने कहा कि पाकिस्तान ने भेजा है तो माना था क्या? तो मानने की तो आदत है नहीं, सिर्फ चुल मचाने की आदत है पाकिस्तानियों की। अपनी अपनी आवाम को तो पेट पाल नहीं पा रहे, दिन रात बिस्तर की गर्मी और ठरकबाजियों में दिन निकलता है पाकिस्तान का। चार बीवियां 72 वर्जिन होरों पर ही तो निगाह अटकी रहती है और ले दे करके टेररिस्ट यही तो करते हैं। और मानेंगे कैसे? मुंह है उनके पास मानने का, शकल है मानने की। इस्लाम के नाम पर जहां से जिहाद, जहां से जाहिलों की फौज, इसके अलावा आता क्या है पाकिस्तान को? बताए ना 75 साल का एक अचीवमेंट, कुछ अच्छा काम बता दे। और आप महवेश, आप खुश है पाकिस्तान में? आप बहुत खुश है, बताए तो सरा। एक औरत होने के नाते बाल मर्यादा आपको पाकिस्तान में मिलता है? आपको इज्जत मिलती है? आपको तो खुद नहीं पता है कि जिससे आपका निकाह होगा वो तीन और लेकर आएगा सेक्स टॉय, ये आपको खुद नहीं पता है। की बड़ी खबर के साथ, अनंतनाग में 3 घंटे से मुठभेड़ जारी है, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा हुआ है, आतंकी उजैर खान को घेरा गया है, कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है, 3 अधिकारी शहीद हो चुके हैं और उसके बाद से लगातार इस इलाके को घेरा गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन सब के पीछे ISI की पूरी प्लानिंग निकलकर सामने आ रही है, जिसने आतंकियों पर बड़े हमले करने का दबाव बनाया था और ना करने पर फंडिंग रोकने की धमकी दी गई थी। इन सब के बीच पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आतंकियों की बड़ी मूवमेंट की खबर आ रही है और इन सब के बीच अनंतनाग में 3 घंटे से एनकाउंटर जारी, लगातार ऑपरेशन चल रहा है।